हेलो फ्रेंड्स, रितु होम स्टाइल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे 2 से 4 साल की लड़की के लिए गाउन बनाएंगे। तो मैंने ये कपड़ा लिया है और ये इनर लिया है। पहले हम इस कपड़े में से टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। टॉप पार्ट का कपड़ा मैंने अलग कर लिया है और इसको 4 लेयर में फोल्ड कर लिया है इस तरीके से। अब इसकी लेंथ मेजर करेंगे। इसकी जो टोटल लेंथ है वो 9 इंच है और हमें चाहिए 8 इंच चाहिए। 8 इंच, 9 इंच लेने के बाद आधा इंच ऊपर के लिए मार्जिन के लिए और आधा इंच नीचे की सिलाई के मार्जिन के लिए। और अब हम इसके शोल्डर ले लेंगे। शोल्डर लेंगे हम 4.5 इंच और आर्मोल ले लेंगे हम यहाँ पे 5 इंच। और यहाँ पे गोलाई दे देंगे। और इसकी फिटिंग है 5.5 इंच। यहाँ से 5 इंच ले लेंगे नीचे की फिटिंग और इन दोनों को मिलाएंगे पॉइंट्स को। और मार्जिन ले लेंगे 1.5 इंच। यहाँ पे हम 2 या 3 पॉइंट के लिए शोल्डर को डाउन की वो लगाएंगे निशान और फिर कटिंग करेंगे। हमारे गाउन की जो टोटल लेंथ है वो 20 इंच है। तो 8 इंच हमने इसके लिए ले लिया है और 12 इंच हम उसमें ले लेंगे नीचे वाले गाउन के लिए। 8 12 इंच ले लेंगे। अब हम इसकी फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे आर्मोल से 1/2 इंच की। इस तरीके से कट कर देंगे हम। अब हम गले की कटिंग करेंगे। यहाँ से हम 2.5 इंच ले लेंगे। 2.5 से थोड़ा सा कम ले लेंगे, कुछ 2 पॉइंट्स कम ले लेंगे। और ऐसे हम 2.5 इंच ले लेंगे। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे और गोलाई देके इसको गले की शेप दे देंगे और कट कर देंगे। फ्रंट पार्ट के गले की भी कटिंग हो चुकी है। अब हम नीचे वाले गाउन के लिए मैंने ये कपड़ा लिया है और इसको 2 लेयर में फोल्ड किया है इस तरीके से। और इसकी जो टोटल लेंथ है मैंने वो 20 इंच ली है। इधर से भी 20 इंच चाहिए। इस वाले कोने को सामने वाले कोने से मिलाना है। जो दोनों ये आमने सामने दिख रहे हैं इसको आपस में इस तरीके से मिलाना है। अच्छे से इसको सेट कर लेना है बिल्कुल। और जिधर से ये खुले की साइड है उधर हम टॉप पार्ट का जो खुले वाला पार्ट है उधर इसको इस तरीके से रखेंगे और इस तरीके से मिला के इसमें निशान लगाएंगे। फिर इंची टेप की हेल्प से हम जितना हमारा दोनों तरफ से हमारा सेम मार्जिन आना चाहिए इस तरीके। इधर देखो थोड़ा ज़्यादा है तो हम इधर इस तरीके से निशान लगाएंगे और गोलाई देते हुए इसमें मिला देंगे पॉइंट्स को। अब हम 12 इंच पे इस तरीके से निशान लगाएंगे। गोलाई पे 12 इंच रखते हुए पॉइंट्स पे निशान लगाएंगे। इससे हमारे गाउन की जो गोलाई है बिल्कुल अच्छे से गोलाई होती है। इसमें कोई कहीं से भी ऊंचा नीचा नहीं होता। ये देखिए ये पॉइंट्स मैंने लगा लिया। अब इन पॉइंट्सों को मिला लेंगे। और ये एक्स्ट्रा मार्जिन का कपड़ा ले लेंगे। मैं 1.5 इंच मार्जिन का कपड़ा मैंने लिया है यहाँ से। अब हम कटिंग करेंगे। पहले ऊपर से कट कर देंगे एक्स्ट्रा कपड़े को। अब गाउन की साइड से जो मार्जिन वाले कपड़े से हम कटिंग करेंगे।
देखिए कटिंग होने के बाद कुछ ये इस तरह का लुक आया है हमारे गाउन का, और उधर से भी हम इसको कट कर लेंगे, इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। प्रिंटेड कपड़े की हमारी कटिंग हो चुकी है फ्रेंड्स, अब हम इनर की कटिंग करेंगे। इनर के लिए मैंने इसको 4 लेयर में फोल्ड कर लिया है और इसके ऊपर टॉप पार्ट रख के कटिंग करेंगे। इसमें से हमारे एज इट इज रख के, और हमारा जो ये कपड़े वैसा गाउन है प्रिंटेड वाला, कपड़े की साइड से हम इसको कटिंग करेंगे। इसमें फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों की कटिंग एक साथ हो जाएगी फ्रेंड्स। और ये ऊपर से हम इसको निकाल लेंगे फ्रंट और बैक पार्ट को कट करके। ये माने दोनों पार्ट अलग अलग निकल गए हैं, फ्रंट और बैक दोनों निकले हैं इसमें से। नीचे वाले गाउन के लिए मैंने 2 लेयर में कपड़ा ले लिया है, और इसको भी जैसे हमने प्रिंटेड गाउन की कटिंग करी थी इसी तरीके से इसको भी मिलाएंगे। इसको 2 लेयर में इस तरीके से फोल्ड कर लिया है और आमने सामने वाले कोने को इस तरीके से मिलाएंगे। और इसके ऊपर प्रिंटेड भी ये गाउन रख लेंगे जो हमने पहले ही कटिंग करके रखा हुआ था। इस तरीके से बिल्कुल इसको अच्छे से एज इट इज रख के इसको कटिंग कर देनी है। और लेकिन जो ये नीचे वाला हमारे गाउन का जो मार्जिन वाला कपड़ा है नीचे की साइड, जो हमने 12 इंच लिया था, तो इनर का हम यहाँ पे 10 इंच लेंगे, 2 इंच कम करके लेंगे, क्योंकि ये नीचे नहीं दिखना चाहिए। कंप्लीट हम 10 इंच का ले लेंगे और 1 इंच हम मार्जिन के लिए लगा लेंगे, यानी कि 11 इंच हम इसका टोटल कपड़ा लेंगे। लेंथ इसकी हम 11 इंच ले लेंगे। इस तरीके से गोल पॉइंट्स लगा के इन पॉइंट्सों को मिलाएंगे। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। इनर वाले गाउन का देखो कटिंग हो चुकी है बिल्कुल अच्छे से, और इसकी भी कटिंग हो चुकी है प्रिंटेड कपड़े की भी। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। पहले हम टॉप पार्ट में बैक पार्ट में हम इसमें वो जिप लगाएंगे। दो जिप लगाने के लिए मैंने इस पे जिप पे कपड़ा अटैच कर लिया है। मैंने 1 इंच का ये कपड़ा लिया था, 1 सवा इंच, और इसको फोल्ड करके इस तरीके से अटैच कर लेंगे, क्योंकि अगर इसको ऐसे ही हम जिप को लगाएंगे तो ये झोल खा जाती है और अच्छे से नहीं लग पाती। तो पहले इसमें कपड़ा अटैच करेंगे हम, और कपड़े को इस तरीके से अटैच करना है ये, ताकि जिप को खोलने और बंद करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। कपड़े को बिल्कुल साइड साइड में ही लगाना है। इसी तरीके से हम इस साइड भी कपड़े को लगा लेंगे। हमने दोनों तरफ ये कपड़ा अटैच कर लिया है। अब हम इसमें बैक पार्ट में इसको अटैच करेंगे। देखो ये बिल्कुल अच्छे से बंद हो रही है और खुल भी रही है। बैक पार्ट के हमने सेंटर से दोनों कपड़ों को बिल्कुल अलग कर लिया है, और इसमें 2 पॉइंट्स में इस तरीके से इस कपड़े को फोल्ड करके स्टिच करेंगे। इसी तरीके से हम दूसरे वाला जो पार्ट्स है उसको भी इसी तरीके से 2 पॉइंट्स में, हमें ज़्यादा कपड़ा इसमें नहीं लेना है, इस तरीके से हम इसको फोल्ड करेंगे। हमने दोनों पार्ट्स को इस तरीके से फोल्ड कर लिया है सेंटर से बिल्कुल। अब हम इसमें जिप लगाएंगे। जिप को इस तरीके से रखना है।
पहले हम जिप को खोल लेंगे, और जिप के बिल्कुल साइड से जहाँ से जिप खुलती है वहाँ पे हम कपड़ा रख के इसमें सिलाई लगाएंगे। कपड़े को बिल्कुल जिप के बिल्कुल बराबर रखना है फ्रेंड्स, जिप के ऊपर हमें कपड़ा नहीं रखना है। हम इसको इस तरीके से सीधा रखते, सीधा सिलाई लगाते जाएंगे। एक तरफ हमने सिलाई लगा ली है और दूसरी तरफ भी हम इसी तरीके से जिप की साइड साइड में कपड़े से इस तरीके से दूसरे पार्ट को भी हम सिलाई से सिलाई लगा लेंगे। हमने दोनों तरफ इसको जिप को अटैच कर लिया और ये देखो अच्छे से खुल भी रही है और बंद भी हो रही है। हमारे बैक पार्ट जिप वाला रेडी हो गया है देखिए। और ये जो एक्स्ट्रा जिप है इसको हम कट कर देंगे। अब हम इसमें इनर अटैच करेंगे। आप इनर को पहले भी अटैच कर सकते थे लेकिन मैंने इसको बाद में अटैच किया है। आप चाहो तो इसको बाद में भी अटैच कर लेंगे। टॉप पार्ट के हम फ्रंट और बैक दोनों में इनर लगाएंगे। इसको बिल्कुल अच्छे से सेट करके और इसको चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे। देखिए बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट में दोनों में हमने इनर को अटैच कर लिया है। अब मैंने ये पट्टी ले ली है, कुछ इस तरीके से फोल्ड कर लिया और गले पे इस तरीके से लगाएंगे हम। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। और एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर देंगे और इसमें छोटे छोटे कट लगाएंगे ताकि हमारा जो ये अच्छे से गला फोल्ड हो जाए, इसमें कोई चुन्नट ना आए। हमारा बैक और फ्रंट दोनों पार्ट में हमारे गले की जो स्टिचिंग थी वो बिल्कुल अच्छे से हो गई। अब हम शोल्डर की स्टिचिंग करेंगे। शोल्डर को भी मैंने इस तरीके से अच्छे से अटैच कर लिया। टॉप पार्ट की फाइनली हमारी स्टिचिंग और कटिंग दोनों हो चुकी हैं। अब हम आर्म होल में पट्टी लगाएंगे। हमें टॉप पार्ट को उल्टी साइड से रखना है और इस पट्टी को ऊपर की साइड रख के सिलाई लगाएंगे। अब हम एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके और इसमें कट करके इसको ऊपर की साइड फोल्ड करेंगे। देखिए हमने ये आर्मोल को भी इस तरीके से दोनों तरफ से फोल्ड कर लिया है। अब हम जो हमारा नीचे का गाउन है उसको हम इनर को अटैच करेंगे। इसी तरीके से हमने दोनों पार्ट्स को अटैच कर लेना है इनर के साथ। अब हम फ्रंट नीचे वाले पार्ट्स को और ऊपर वाले पार्ट को इस तरीके से हम इसको अटैच करेंगे कपड़े को। इसी तरीके से हम दूसरे वाले पार्ट को भी अटैच करेंगे।
ये देखिए हमारा बिल्कुल अच्छे से, मैंने इसको बैक वाले को भी फ्रंट वाले को भी अटैच कर लिया, और इसमें मैंने फिटिंग की निशान लगा लिया है। अब हम इसमें फिटिंग के निशान पे हम सिलाई करेंगे। यहाँ पे हम डबल सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से हम बिल्कुल अच्छे से मिलाते हुए चारों पार्ट्स को नीचे तक सिलाई लगाना है। इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी सिलाई लगाएंगे। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद कुछ ये वाला लुक आया है हमारे गाउन का, और इसको नीचे से इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसमें सिलाई लगाएंगे। इसको चारों तरफ से इसी तरीके से फोल्ड करना है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये गाउन पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा ये गाउन कैसा लगा। थैंक यू।